अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देख के शौक रह जाएंगे। और वो है ये, कितना बड़ा सीन है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग हम ट्रेन के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम और मम्मी हैं, जा रहे हैं रीवा, है कोई फैमिली मेम्बर है थोड़ा बीमार है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो करीबन 12 बजे के आसपास पहुँचाएगी वहाँ पे। और एक पोपट ये हो गया कि घर में खाना बना के रखा था लेकिन हम लोग लाना भूल गए। तो गाइस ट्रेन चल पड़ी है और काफ़ी स्पीड में है, स्पीड आप दे भी सकते हैं, लगभग 100-110 के आसपास चल रही है। सो गाइस हमने नाश्ते में, मैंने तो समोसा ले लिया और हमारी माता श्री ने इनके लिए सॉल्टी बिस्किट मैंने ले लिया था, क्योंकि रास्ते का खाते नहीं है, समोसा वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि इनको शुगर और बीपी दोनों की गोली खानी होती है। पेट भर गया। एक छोटे से पैकेट बिस्किट का लिया था, उनसे उससे पेट भर गया मैडम का। इस समय हम खड़े हैं नैनी स्टेशन पे। सो गाइस बने रहेगा चैनल के साथ, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज कीप वॉचिंग। सो गाइस पहुंचने वाले हैं सतना स्टेशन, 3 घंटा लेट थी ये ट्रेन, हमको यहाँ पे 10 बजे उतर जाना चाहिए था लेकिन अभी बज रहे हैं करीबन 1। बस स्टेशन आ गया, सो गाइस उतर चुके हैं और ट्रेन अभी तक गई नहीं है। हमने सोचा कि चलो स्टेशन पे खा के चलते हैं, क्योंकि फिर अभी जाएंगे जैसे हॉस्पिटल जाएंगे सीधे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा कि टाइम मिले ना मिले, तो खा के जा रहे हैं। सिंपल खाना लिया है, 2 रोटी है, चावल है, मतलब एक होम स्टाइल की तरह खाना है पूरा, दाल है, सब्जी है, सलाद है, अचार है, तो बढ़िया है एकदम। हाँ हेल्दी फूड है, बिना लहसुन, नहीं लहसुन है। तो अच्छा लगा कि एक स्टेशन के सामने एकदम मिल रहा है जी। सो गाइस खा के फिर हम चलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट लगेगा फिर वहाँ भी जाने में। सो गाइस स्टेशन से बाहर आके चल गए हैं और अब यहाँ से कम से कम 15-20 मिनट लगेगा। सो गाइस पहुंच गए हैं बिरला हॉस्पिटल जहां मैं आना था। क्या फ़ोन कर लेता हूं ना अभी, कहता वो बताए कि अभी आए नहीं है, आएंगे। हाँ दाली से सवाल बताए, सो आएंगे अभी नहीं आएंगे। रिसर्च वाला है। सो गाइस पहुंच गए हैं जहां पे डायलिसिस होना है, अभी एंट्री हो चुकी है, यही है ना ये वाला। सो गाइस हो गया है, मिल लिए हैं, अब शाम को 5:30 बजे के आसपास ट्रेन है, तो अभी हम जा रहे हैं। थोड़ी लेट भी चल रही है तो हमारे लिए अच्छा है, समय से पहले पहुंच जाएंगे। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देख के शौक रह जाएंगे। और वो है ये, कितना बड़ा सीन है।
आप देख रहे हैं ये ट्यूमर है, ये वो लेडी है जिसका ट्यूमर था, ये आप ऊपर देख सकते हैं ये ऑपरेशन हो रहा है, ये वो ट्यूमर है जिसको रखा गया है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, फोटो में से भी छोटा दिख रहा है इसलिए काफ़ी बड़ा है। चलो सो गाइस अब निकलेंगे, ऐसा ना हो कि हम लोग ये ब्लॉगिंग करते करते वहाँ ट्रेन हमारी निकल जाए। तो गाइस बैठ गए और डांस करते हुए जा रहे हैं हम लोग। गाइस पहुंच गए स्टेशन, 10 मिनट पहले हम लोग आ गए हैं, अभी है 10 मिनट आने में ट्रेन को। सो गाइस आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और S2 में है हमारा सीट और यहाँ से करीबन 2-2.5 घंटा लगेगा। ट्रेन का इंतजार। सो गाइस आ गई है ट्रेन। गाइस आ गए हैं घर और आने के बाद आते ही एकदम हम लोग सो गए क्योंकि रास्ते में सोने को नहीं मिला था, रिलैक्स नहीं हो पाए। हो गई सुबह, सुबह को मैं ब्लॉगिंग दोबारा से कर रहा हूँ। सो गाइस अभी तक हमने ब्लॉग को एंड नहीं किया है, करते हैं ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड। होप आज का या कल का होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब।